दोस्तों देखिए हमारे कितने सॉफ्ट कितने स्पॉन्जी भल्ले बने हैं। और दही भल्लों को बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए हम यहाँ पर एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं संगीता चौधरी ओम साई राम फूड किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी टेस्टी और सुपर सॉफ्ट दही भल्ले की रेसिपी। यह भल्ले हम बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाएंगे। और इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं आपको कि हम दही भल्ले का मसाला घर पे किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो वड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये वाला एक बाउल उड़द की दाल और आधा बाउल मूंग की दाल को रात में भिगो के रख दिया था अच्छे से धो करके। और देखिए जो हमारी दाल है अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इस दाल को मिक्सर जार में डाल करके हम बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैं बस 2 चम्मच पानी डालूंगी इस दाल को पीसने के लिए। दोस्तों हमने दाल बिल्कुल बारीक पीस ली है, देखिए। तो अब इसे निकाल लेंगे हम एक मिक्सर बाउल में, या परात में भी हम निकाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे हमें आधा चम्मच नमक, और यहाँ पर मैं 4 चम्मच बेसन डालूंगी। तो बेसन वैसे तो ऑप्शनल है, बेसन के भी ये बड़े बना सकते हैं, लेकिन बेसन से होता क्या है, जो हम थोड़ा पानी डालते हैं मिक्सर जार में दाल को पीसने के लिए, तो बेसन थोड़ा बैलेंस कर लेता है। तो हमें 4 ही चम्मच बेसन डालना है बस। और आधा चम्मच डालेंगे अजवाइन क्रश करके। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है, इस दाल के पेस्ट को फैटना है। तो फैटना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हम जितना दाल को फैटेंगे फ्लफी बनाएंगे उतने ही बढ़िया हमारे बड़े बनेंगे। इस तरीके से थोड़ा उंगलियों को खोल करके दाल को फैटना है लगभग 10 मिनट तक। दोस्तों जो हमारा बैटर है बल्ले वाला, इसे मैंने लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे फैट लिया है। और देखिए कितना फ्लफी हो चुका है हमारा बैटर। देखिए इस तरीके से हाथ से नीचे गिराते हुए आराम से गिर रहा है और एक बॉल की तरह बन रहा है। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा पतला हो गया है और पानी की तरह नीचे गिर रहा है, तो आप इस टाइम पर 1 से 2 चम्मच बेसन और डाल सकते हैं और फैट सकते हैं 1 मिनट के लिए। तो हमें ऐसा ही बैटर चाहिए, हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो चलिए तेल गरम करते हैं भल्लों को फ्राई करने के लिए। दोस्तों हमने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है। तो तेल हमें यहाँ पर धुआंदार गरम नहीं करना है, बस जैसे ही हाथ के ऊपर हीट आने लगे बल्ले फ्राई करने हैं। तो मैं इस तरीके से थोड़ा सा बैठ लूंगी हाथ के ऊपर, और देखिए बैटर बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है, और इस तरीके से गिराऊंगी। तो देखिए मैं बैटर को इस तरीके से उंगली के ऊपर ले करके और अपने अंगूठे से आगे की तरफ पुश कर रही हूं। और जितने भी हमारे भल्ले एक बार हमारी कढ़ाई में आ जाते हैं हम उतने ही डाल लेंगे। दोस्तों हमारे जो भल्ले हैं तेल में डालते ही ऊपर टेढ़े लग गए हैं, तो हम गैस फ्लेम को यहाँ पर या तो लो रखेंगे या मीडियम रखेंगे और इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। दोस्तों हमें यहाँ पर भल्लों को ज्यादा चलाना नहीं है, क्योंकि भल्ले देखिए अपने आप ही साइड चेंज कर रहे हैं। दोस्तों 1 मिनट के अंदर अंदर ही हमारे सारे भल्ले अपने आप ही साइड चेंज कर चुके हैं, तो अब इन्हें हम थोड़ा सा चलाएंगे और इन्हें गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों जो हमारे भल्ले हैं उनके ऊपर एक अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब इन्हें निकाल देते हैं हम। तो हम इसी तरीके से सारे भल्लों को फ्राई कर लेंगे। दोस्तों देखिए हमारे यहाँ पर बिल्कुल गोल गोल भल्ले फ्राई होके तैयार हो गए हैं। तो अभी बहुत ही गर्म है, इन्हें थोड़ा ठंडा करने के बाद ही पानी में भिगोना होता है थोड़ी देर के लिए। दोस्तों हमारे यहाँ पर भल्ले थोड़े ठंडे हो चुके हैं और अब हम भल्लों को पानी में भिगोएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है पानी, और पानी में डालूंगी मैं 1 चुटकी हींग और आधा चम्मच नमक, और मिलाएंगे हम। यहाँ पर थोड़ा गर्म पानी भी ले सकते हैं। और अब यहाँ पर भल्लों को डालेंगे पानी में। तो देखिए मैंने भल्लों को यहाँ पर पानी में भिगो दिया है, और लगभग 15 मिनट के बाद हम
बल्लों को सर्व करेंगे। तो सबसे लास्ट में करेंगे हम यहाँ पर दही तैयार। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो दही लिया है और इसमें डालूंगी मैं 4 चम्मच चीनी। और दोस्तों चीनी डाल करके मैं इसे थोड़ा सा फैट लूंगी। और दोस्तों एक चुटकी में यहाँ पर नमक भी डाल देती हूँ। और देखिए जो हमारी दही है मैंने अच्छे से फैट लिया है, दही को बिल्कुल स्मूथ हो गई है हमारी दही। तो जब तक हमारे बल्ले तैयार होते हैं अच्छे जूसी बन करके, तो हम इस दही को रख देते हैं फ्रिज में। तो फ्रिज में रख करके दही थोड़ी ठंडी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर एक तवे के ऊपर लिया है 4 लाल मिर्च, 1 चम्मच अजवाइन, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और लगभग 10 मैंने यहाँ पर काली मिर्च ली है। तो मैं इन्हें गैस फ्लेम ऑन करके तवे के ऊपर 2 मिनट के लिए भून लूंगी। और तवे के ऊपर अच्छे से देखिए भून चुकी है, थोड़ा धुआं निकल चुका है और एक अच्छी खुशबू भी आ चुकी है। तो अब इसे हम ट्रांसफर करेंगे एक जार में। और अब डालेंगे इस जार में 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सफेद नमक और इसे बारीक पीस लेंगे। तो देखिए मसाला पिस चुका है और मैंने मसाले को थोड़ा दरदरा पीसा है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है हमें, ऐसा ही दरदरा रखना है। तो देखिए हमारा टेस्टी टेस्टी मसाला बनके तैयार हो गया है हमारे दही भल्लों के लिए। और अब हम देखते हैं हमारे भल्ले, देखिए कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल स्पॉन्जी बने हैं। तो इन्हें हम पानी से निचोड़ लेंगे और एक बाउल में सजा लेंगे। और अब डालेंगे इसके ऊपर ये क्रीमी क्रीमी दही जो हमने फैट कर रखी हुई थी, देखिए कितनी क्रीमी दही है। और यहाँ पर हम मीठी चटनी डालेंगे और डालेंगे यहाँ पर मसाला जो हमने बना के रखा हुआ है, हमें और कोई मसाले नहीं डालने हैं इसके ऊपर। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे कट किए हुए और हमारा चटपटा टेस्टी टेस्टी दही भल्ला चाट बन के तैयार हो गई है। और देखिए जो हमारे भल्ले हैं कितने सॉफ्ट हैं और बिल्कुल स्पॉन्जी हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी बताइएगा जरूर। धन्यवाद।